गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में अहिंसा चौक निर्माण का शिलान्यास किया गया एवं गांधी जी के विचारों को याद किया। ये चौक का निर्माण बुढ़ार रोड वन विभाग के सामने किया जाएगा। कार्यक्रम संपन्न कराने में विधायक श्री जय सिंह मरावी, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जी जयसवाल, उपाध्यक्ष श्री डोली शर्मा जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उर्मिला कटारे जी, प्रकाश जगबानी जी, श्रीमती शालिनी सरावगी, जैन विकास तिवारी, विनोद महाजन जी, न्यायाधीश महोदय एवं अन्य वरिष्ठ नेता का योगदान रहा। कार्यक्रम के पश्चात मुनि श्री की वाणी का लाभ भी जनता को मिला। कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल रहे। अनाधिकृत रूप से कब्जा हो चुका है। हम चाहते हैं मंच पे बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो जैन प्रतिमाएं हमको तुरंत वापस दिलवाए जाए। आप जाके देखना मंदिर में आप आए थे अध्यक्ष जी, कितनी भव्यता से जिन बिंबों का अभिषेक हो रहा था सब लोग कैसे बढ़िया। हम चाहते हैं उनके अभिषेक उनकी पूजन का अधिकार जैसा हमारे आचार्यों ने कहा है हमको करने का अधिकार दे दीजिए। हम आपके सामने भीख मांग रहे हैं साधु कि भाई दे दो हमें वो अधिकार जिसकी हमें आवश्यकता है। वो जैन प्रतिमाएं बहुत अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। आप देख लेना जिन जिन ने वो प्रतिमाएं अपने घरों में रख रखी है, होटलों पे विराजमान कर रखी है, आप देख लेना उनके परिवार के हालत आप देख लो। जो राजा थे वो रंक हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि उनके रक्षक देवी देवताएं होते हैं। जैन प्रतिमा का एक अपना गणित होता है, एक अपना विज्ञान होता है। जब भी कोई जैन प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है तो आचार्यों के द्वारा उनके रक्षक देवी देवता की प्रतिष्ठा भी उसमें की जाती है। जब उनके रक्षक देवी देवता होते हैं, जब भी उन प्रतिमाओं को कोई भी उनकी परंपरा के विपरीत हाथ भी लगाता है तो उन व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये इतिहास है, आप उठा के देख लो। कुंडलपुर बड़े बाबा पे जब औरंगजेब पहुंचे थे वापस लौटना पड़ा,